नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप इस विषय पर सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक LIC एजेंट को अपनी एजेंसी चालू स्थिति में रखने के लिए प्रत्येक एजेंसी ईयर में कम से कम कितना बिजनेस टारगेट पूरा करना होता है, और यदि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाता तो एजेंट और उसकी एजेंसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक LIC एजेंट हैं या एजेंट बनने की सोच रहे हैं, तो इस बारे में पूरी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में LIC के मिनिमम बिजनेस टारगेट, इसकी कैलकुलेशन और टारगेट पूरा न होने पर LIC एजेंसी को बचाने के तरीकों आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आइए आगे वीडियो में इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। LIC एजेंसी लेने के बाद एजेंट को प्रत्येक एजेंसी ईयर में पॉलिसी सेल करने का एक फिक्स टारगेट दिया जाता है। टारगेट पूरा करने पर ही पहले की गई पॉलिसीज का रिन्यूअल कमीशन मिलता है और एजेंसी चालू रहती है। एजेंसी ईयर से हमारा तात्पर्य एजेंसी की शुरुआत करने से अगले 12 महीनों से होता है, और यह अवधि प्रत्येक वर्ष समान रहती है। LIC एजेंट को मिलने वाले मिनिमम बिजनेस टारगेट और एजेंसी रिन्यूअल संबंधित नियमों की बात करें, तो एजेंसी को रिन्यू करने के लिए LIC ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त अनुसार प्रत्येक एजेंसी ईयर में एजेंट ने 6 अलग अलग लोगों का बीमा किया हो, जिसका कुल जमा नेट प्रीमियम कम से कम 50,000 हो, तो एजेंसी को अगले एक वर्ष के लिए रिन्यू किया जा सकता है। परंतु 6 पॉलिसी और 50,000 नेट प्रीमियम की दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अर्थात यदि एजेंसी ईयर 1 फरवरी से 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी तक सभी 6 पॉलिसी से कम 50,000 का प्रीमियम LIC को मिल जाना चाहिए। LIC एजेंसी लेने के बाद प्रत्येक एजेंसी ईयर में मिनिमम बिजनेस टारगेट दिया जाता है, वह पूरा करने पर ही पहले की गई पॉलिसीज का रिन्यूअल कमीशन मिलता है और एजेंसी चालू रहती है। अब जान लेते हैं एजेंसी रिन्यू करने संबंधित दूसरी शर्त के बारे में। दूसरी शर्त अनुसार LIC एजेंट को अपनी एजेंसी बचाने के लिए प्रत्येक एजेंसी ईयर में किसी भी राशि की कम से कम 12 पॉलिसी करनी होती है। 12 पॉलिसी से हमारा अभिप्राय कम से कम 12 लोगों के जीवन पर की गई पॉलिसी से है। यदि 6 पॉलिसीज करने के बाद भी प्रीमियम की राशि कम होने के कारण एजेंसी ईयर में कुल 50,000 प्रीमियम जमा ना हो पाए, तो किसी भी राशि की कम से कम 12 पॉलिसीज करके भी एजेंसी को बचाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की। यदि पहली और दूसरी शर्त पूरी ना हो पाए, तो कम से कम 1,00,000 रुपए की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी करके भी अपनी एजेंसी को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो पाई, तो फिर एजेंसी का क्या होगा। यदि आपकी एजेंसी भी इस दौर से गुजर रही है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी ना होने पर भी एजेंसी बचाने का एक और तरीका होता है, जिसके बारे में अधिकतर एजेंट्स को जानकारी नहीं होती। एजेंसी ईयर के दौरान की गई सभी प्रकार की पॉलिसीज का जमा प्रीमियम कम से कम 1,00,000 रुपए होने पर भी एजेंसी को बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि 2 रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसीज करके 40,000 का प्रीमियम जमा हुआ हो, और एक या उससे अधिक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी करके 60,000 का प्रीमियम जमा हुआ हो, तो इस प्रकार कुल जमा 1,00,000 रुपए के प्रीमियम के आधार पर भी एजेंसी को बचाया जा सकता है। परंतु यदि सभी पॉलिसीज का प्रीमियम टोटल करने पर भी कुल 1,00,000 प्रीमियम जमा नहीं हो पाता, तो भी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि एजेंसी ईयर के दौरान एजेंट द्वारा किए गए बिजनेस अमाउंट की कैलकुलेशन करते समय उसके पिछले वर्ष सेल की गई पॉलिसीज के प्रीमियम को भी चेक किया जाता है। इस प्रकार यदि पिछले एजेंसी ईयर में कोई पॉलिसी की गई हो और उसका फर्स्ट ईयर अर्थात 12 महीनों के प्रीमियम में से कुछ प्रीमियम करंट ईयर में जमा किया गया हो, तो उसे नई पॉलिसीज के प्रीमियम की तरह इस साल की गई पॉलिसीज के प्रीमियम में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार भी कुल जमा प्रीमियम 1,00,000 या इससे अधिक होने पर भी एजेंसी को बचाया जा सकता है। परंतु यदि हर प्रकार के प्रीमियम को जोड़ने पर भी कुल जमा प्रीमियम 1,00,000 से कुछ कम रह जाए, तो फिर एजेंट के पास एजेंसी बचाने का लास्ट एक ही विकल्प बचता है, शॉर्ट अमाउंट के अपने या अपने फैमिली मेंबर के नाम की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी करना, जो कम से कम 30,000 से शुरू होती है, और इस प्रकार एजेंसी को बचाया जा सकता है। यदि इन सब में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो पाती, तो फिर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, और नई पॉलिसीज के मामले में पुराने पॉलिसीज का रिन्यूअल कमीशन मिलना भी बंद हो जाता है। एजेंसी टर्मिनेट होने पर भी रिन्यूअल कमीशन संबंधित 2 कंडीशंस बनती हैं। यदि एजेंट ने 5 वर्ष तक मिनिमम बिजनेस टारगेट पूरा किया हो और वर्तमान में उसकी कम से कम 25 पॉलिसी चालू अवस्था में हो, तो एजेंट को टर्मिनेट होने पर भी रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है। इसके अलावा एजेंट के मेंटल होने या फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से कम 2 वर्ष चलाएगी पॉलिसीज जिसमें कम से कम 12 पॉलिसी चालू हों, टर्मिनेट होने पर भी रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है। LIC एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आप अपनी एजेंसी को पुनः चालू करवाकर उसमें काम करना चाहते हैं, तो निर्धारित समय सीमा और शर्तों को पूरा करके आप ऐसा कर सकते हैं, जिसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि LIC एजेंसी के मिनिमम बिजनेस टारगेट रूल्स और उसे पूरा करने के तरीके आदि के बारे में आपने समझ लिया होगा। इस विषय में अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जिसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।